हाँ जी, क्या पूछा है इन्होंने? सुनाई नहीं. గీత మొత్తం ఆత్మే పరమాత్మ అనే ఉంది కదా, గీత మొత్తం కూడా गीता में कहाँ लिखा हुआ आत्मा परमात्मा? ये तो व्याख्या कर दी है उल्टी पलटी. जो दूसरे मनुष्य गुरुओं ने व्याख्या कर दी है उस व्याख्या को ही सच्चा मान लिया. गीता में थोड़े ही कहीं ये शब्द आए हैं कि आत्मा सो परमात्मा. हर आत्मा परमात्मा हो सकती है. परम पार्टधारी एक हीरो पार्टधारी ही होगा या सभी आत्माएं परम पार्टधारी बन जाएंगी? परम माने बड़ा, पार्ट माने पार्ट. ड्रामा में या नाटक में सबका परम पार्ट होता है क्या? कोई छोटे पार्टधारी होते हैं, कोई बड़े पार्टधारी होते हैं. तो जो सबसे बड़ा पार्टधारी है वो हीरो पार्टधारी कहा जाता है. वो ही परम पार्टधारी हुआ या सारे ही हो जाएंगे? और गीता तो सारी दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है. उसमें ये झूठी बात कैसे लिखी जा सकती है? एक भी श्लोक ऐसा गीता का नहीं है जिसमें ये साबित होता हो कि हर एक आत्मा परमात्मा है. आज दुनिया में इंटरकास्ट मैरिज होती है कि नहीं होती है? इंटरकास्ट का मतलब ब्राह्मण जो है वो मुसलमान से शादी कर लेता है. तो नाग कन्या कोई ऐसे नहीं कि नाग कन्या होती है. नाग माने सांप. सर्प की तरह जो विकारी हैं, उनको सर्प कहा जाता है. वो इस्लामी हैं जिनका सर्प से मिसाल दिया गया है. तो सर्प की कन्या से वे शादी कर ली, ये कोई बड़ी बात नहीं है. अर्जुन तो मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा है और सारी मनुष्य सृष्टि उसकी औलाद है. इस्लामी भी उसकी औलाद हैं. दूसरे धर्म वाले भी उसकी औलाद हैं.
कृष्ण को तो आठ पटरानियां दिखाई गई आठ धर्मों से। उनमें रीछ कन्या भी दिखाई दी है। तो कोई ऐसे नहीं है कि रीछ बालुओं से शादी कर ली। ऐसे स्वभाव संस्कार की बात है। नाग बालाओं से मनुष्य की शादी नहीं होती है। नाग नागिन जैसे स्वभाव संस्कार जिसमें होते हैं उनकी बात है। और जन्म जिन सत्या किया उनका कोई मामा है और कोई नहीं। पहले पूरी कहानी सुन लेना फिर उसके बाद बताना। हाँ हाँ तो बाबा ने पंच विकार बताया बाबा तो देहाभिमान से पांच विकार पैदा होते हैं ना काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। लेकिन भक्ति मार्ग में बाबा तो शास्त्रों ने अरिषट वर्ग बताया अरिषट माना छह अरे माना शत्रु वर्ग माना समूह माना छह विकार बताया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और असूया भी असूया माने दूसरों से ईर्ष्या करना। हाँ बाबा तो छह विकार बताया शास्त्रों में भक्ति मार्ग में पूछने की मतलब ये बात ईर्ष्या द्वेष वो क्रोध में ही आ जाता है। वो कोई अलग से नहीं है। जिसके ऊपर क्रोध होता है उससे ईर्ष्या द्वेष भी करते हैं। मुख्य तो पांच विकार ही हैं। है तो इसमें तो अंतर्भाव हुआ ना बाबा तो क्रोध में अंतर्भाव हुआ असूया क्योंकि तो बाबा ने तो अष्टदेव में दूसरे मेंबर को अनसूया बताया माना किसी के प्रति असूया नहीं है माना इतना प्यूरिटी है इतना निर्विकार ही होती है वो प्यूरिटी में गंगा और जगदम्बा और लक्ष्मी से भी ऊंच है। तो इतनी खास विकार होती हुए भी तो ये विकार ये पांच विकार से जुड़ा नहीं है ऐसा प्रश्न है। कौन नहीं जुड़ा माना ये असूया की विकार असूया जहाँ होगी वहाँ क्रोध विकार जरूर होगा। उसका नाम ही है अनसूया। दूसरों के साथ विकार की बात ही नहीं। इसीलिए तो तीन देवियों से भी ज्यादा ऊंचा दिखाया। और तीन देवियों से भी तीन बड़ा माना जाता है। तो कभी भी कहां भी पूजा नहीं होती क्योंकि संगम युग में रुद्रमाला का मणका है। रुद्रमाला के मणके पुरुष होते हैं या स्त्री होते हैं। जन्म जन्मांतर के स्वभाव संस्कार से पुरुष हैं। पुरुष साफ दुर्योधन दुशासन होते हैं। जन्म जन्मांतर के स्वभाव संस्कार अगर इकट्ठे किए जाएं उस हिसाब से बाकी इस जन्म में स्त्री चोला है इसलिए नाम अनुसुईया है। बाकी स्वभाव संस्कार से तो
स्त्री नहीं है। तो रुद्रमाला के मणकों की पूजा नहीं होती है, वो शालिग्राम के रूप में गायन है। पूजा के लिए तो शरीर चाहिए, वो तो आत्मिक स्टेज धारण करने वाले हैं। और नवग्रह को पूजा होती है ना बाबा? नवग्रह जो हैं, वो ग्रह हैं। वो रुद्र नहीं है। और बाबा ये दुर्योधन और दुशासन की बात है, वो तोला के हिसाब से बताया ना बाबा ने? कुछ तोला के हिसाब से बताया ना? तोला चोला, चोला माना शरीर। हाँ जी, शरीर के हिसाब से बताया ना? हाँ जी। तो चंद्रवंश में जो तो विजयी माना क्या बाबा, विजयी महाराज ने जो आत्माएं है, पवित्र आत्माएं है, वही वापस से पुरुष चोला लेते हैं ना? तो वो समय वो भी दुर्योधन दुशासन ये समझता है ना, ये पोस्ट पुरुष की शरीर लेती है। बहुत से ऐसे भाई लोग देखे जाते हैं जिनमें स्वभाव संस्कार स्त्रीत्व के भरे हुए होते हैं, और बहुत सी नारियां ऐसी देखी जाती हैं जिनके स्वभाव संस्कार सुपनखा पूतना जैसे होते हैं। तो मूल बात स्वभाव संस्कार की है, और वो स्वभाव संस्कार भी अनेक जन्मों का हिसाब किताब है, एक जन्म की बात नहीं है, अनेक जन्मों का तत्व आत करके गिरता है आखिरी जन्म में, जिसके आधार पर चोला बन जाता है। और लेकिन बाबा तो पुरुषों को बार बार दुर्योधन दुशासन करने से जो माताएं जो कन्या होती है, तो भगवान खुद बोल रहा है सभी पुरुष दुर्योधन दुशासन, उनको नफरत आने के संभव नहीं है। ये पुरुष तो भगवान बोला है, उनको मुख भी नहीं देखना है, उनसे बात नहीं करना है, ऐसी भावना का संभव है ही नहीं। जो ज्ञानी होगा वो ज्ञान के आधार पर हर बात को देखेगा या ज्ञान के आधार पर देखेगा? ज्ञान के आधार पर। तो यहाँ भी ज्ञानी और अज्ञानी दोनों प्रकार के हैं। बाबा ने बोला है तो जरूर उसमें कोई रहस्य भरा हुआ है। और ऐसी यही है कि जैसा संग करेंगे वैसा रंग लग जाएगा। संग दोष से बचना है। और ये भी तो नहीं कि पुरुष की ही बात बताई है, बाबा ने तो ये भी बता दिया बहुत सी कन्याएं माताएं भी ऐसी होती हैं जो दुर्योधन दुशासन जैसे से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। नाम दिया है सुपनखा पूतना है। संख्या में कम है। और बाबा यह शिव बाबा की अविनाशी भंडार है, वह कब विनाश नहीं होगा। लेकिन बोलते हैं भोजन की, जब भोजन की बात बोलते हैं तो ब्रह्मा भोजन बोलते हैं, इसका मतलब क्या है?
शिवबाबा की अविनाशी भंडारा है, कभी विनाश नहीं होती है। शिवबाबा का ज्ञान का भंडारा है, ज्ञान रतन का भंडारा है, ज्ञान धन का भंडारा है या खाने पीने का भंडारा है? ज्ञान रतन है। ब्रह्मा का भोजन है, सीता का भोजन कहा जाता है रसोई, वो माता है, ब्रह्मा भी माता है, तो भोजन अलग बात है और ज्ञान धन अलग बात है। सूक्ष्म रूप में भी भोजन है ना बाबा, याद हमारा भोजन है। याद करना किसका काम है? आत्मा का काम है। और ज्ञान देना किसका काम है? असली ज्ञानदाता कौन है? असली ज्ञानदाता बाप। तो बाप ज्ञानदाता है, असली ज्ञान वो ही देता है और सब मिक्स करके सुनाते हैं। ज्ञान को भोजन नहीं कहा जा सकता। भोग लेने वाले, भोग देने वाले, वो सब भोगी हैं। आत्माएं जितनी भी हैं वो सब भोगी हैं। एक परमपिता परमात्मा ही है जो भोग ध्यान दीदार से परे है, अभोक्ता है। तो भोजन में और ज्ञान में बहुत अंतर है। भोग भोगना, भोग कराना, ये आत्माओं का काम है। परमपिता परमात्मा का नहीं है। परमपिता परमात्मा तो सिर्फ ज्ञान देता है, न भोग भोगता है न भोग कराता है। तो ब्रह्मा के कार्य में और शिव के कार्य में तो बहुत अंतर है। और मैं जब आता हूँ विमुक्ति के साथ आता हूँ, इसमें एक सच्ची गीता और एक झूठी गीता होती है। विमुक्ति में बाप के अलावा दो माताएं में एक सच्ची गीता और एक झूठी गीता होती है। तो बाप तो सत्य है, तो सच्ची बाप आकर झूठी गीता कैसे स्थापन होती है, मतलब क्या है? दो चीजें हैं, एक है आत्मा और एक है शरीर। दोनों में सच्चा कौन है और झूठा कौन है? तो ऐसे ही दो चीजें हैं, आत्मा और प्रकृति। प्रकृति पांच तत्वों का संघात है। जो पांच तत्वों का संघात है वो ही तत्व है। तत्व जड़ है या चैतन्य है? आत्मा चैतन्य है, परंतु चैतन्य आत्मा जब तक पांच तत्व के जड़त्वमयी चोले में प्रवेश न करे
तब तक कोई पार्ट नहीं बजा सकती। इसलिए मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। माना छूट को अगर ड्रामाबाजी करनी है तो आधार लेना भी जरूरी है। ड्रामाबाजी नहीं करनी है तो आधार लेने की दरकार ही नहीं। तो जगदम्बा तो चोला है, डब्बा है। और जगदम्बा में और जगत पिता में कृष्ण वाली आत्मा कब से प्रवेश करती है? जगत पिता में तब से प्रवेश करती है जब से जगत पिता शंकर के नाम रूप से संसार में प्रत्यक्ष होता है। शंकर कब प्रत्यक्ष हुआ उसके लिए सन बताने की जरूरत है। बाप बच्चों के बगैर प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। तो कौन सा बच्चा है जिसके बगैर बाप नहीं है? कृष्ण बच्चा नहीं है। शिव का नाम सदैव शंकर के साथ है। आत्मिक रूप से बाबा शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। लेकिन शंकर तीन आत्माओं का संकरण है। अगर उसमें तीसरा नेत्र है तो चंद्रमा भी है। चंद्रमा ब्रह्मा का नाम है जो 16 कला संपूर्ण भी बनता है। तो 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। जगत पिता में कृष्ण बच्चा प्रत्यक्ष होता है तब शिव शंकर नाम से प्रत्यक्ष होता है बाप। और ब्रह्मा की सोल ब्रह्मा के रूप में 100 साल पूरे करती है 85-86 में। उस समय की बात है जब पीपल के पत्ते में कृष्ण दिखाया जाता है। पीपल का पत्ता है हिलने डुलने वाला माया के झोंकों से। जगदम्बा का प्रतीकात्मक रूप। हल्की फुल्की नवैया है जो माया के झकझोरों से बहुत हिलती डुलती है। सबको ऐसा लगता है कि अब डूबी की डूबी, परंतु उस पीपल के पत्ते पर कृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्मा गर्भ धारण कर लेती है। गर्भ महल बन जाता है। इसलिए नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती।
तो ये 10 वर्ष का अंतर है। जगत पिता और जगत माता के प्रत्यक्ष होने में अगला प्रश्न है, वैष्णवी देवी में कृष्ण वाली आत्मा का प्रवेश होता है क्या? पहली बात है, वैष्णवी देवी का जो रूप है वो विष्णु से मिलता जुलता रूप है या ब्रह्मा से मिलता जुलता रूप है? ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवताओं के नाम हैं। ब्रह्मा नीची कोटि में है, विष्णु मध्यम कोटि में है और शंकर उच्च कोटि में है। ब्रह्मा सो ही विष्णु बनता है, परंतु ब्रह्मा एक का नाम है या अनेक ब्रह्म है? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, परंतु जिस नंबर का ब्रह्मा उसी नंबर का विष्णु कहा जाएगा। अब्बल नंबर ब्रह्मा कौन है? अब्बल नंबर ब्रह्मा कौन है जो अब्बल नंबर विष्णु बनता है? उसको कहते हैं मध्योनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। ये ब्रह्मा जिसे परम ब्रह्म कहा जाता है, मैं उसमें प्रवेश करता हूं पहले पहले ज्ञान देने के लिए। ये भी कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तो परम ब्रह्म कौन हुआ जिसे परम ब्रह्मा कहें? कौन हुआ? प्रजापिता ब्रह्म। तो जो प्रजापिता ब्रह्म है वो अब्बल नंबर का ब्रह्मा है, तो अब्बल नंबर का विष्णु भी है। जो अब्बल नंबर का विष्णु है वो कंट्रोलर होगा या कंट्रोल्ड होने वाला होगा? इसलिए विष्णु में चार भुजाएं दिखाई जाती हैं, चार भुजाओं में चार अलंकार हैं, एक शंख अलंकार है, ज्ञान शंख फूंकने का जिसके लिए बोला है, ज्ञान का कलश किसको दिया? लक्ष्मी को दिया। लक्ष्मी ही वैष्णवी है, वो ज्ञान शंख फूंकती है,
तो स्वर्ग स्थापन हो जाता है। फिर है चक्र, ये विष्णु के अलंकार नहीं है, किसके अलंकार हैं? विष्णु तो सतयुग में होगा, वहां तो यह अलंकार थोड़े ही धारण करने की बात है। ये चक्र जो है वो ज्ञान का चक्र घुमाने वाला कौन? अव्वल नंबर। किसने ज्ञान का चक्र घुमाया पहले? पहले जगदम्बा सरस्वती, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा ने नहीं घुमाया। ओम राधे ब्रह्मा ने पहले पहला ज्ञान का चक्र घुमाया। क्या आत्मा बिंदु है, अणुरूप है, तो आत्मा का बाप भी अणुरूप है, ज्योति बिंदु है। पहले लाल लाइट के गोले को याद करते थे, पर जब मम्मा ने ये रिसर्च की, ज्ञान का चक्र घुमाया, तो सबकी बुद्धि में बैठा कि आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु है। उस लाल लाइट के गोले में बिंदु को याद करना शुरू कर दिया। तो चक्र दिखाया है, विष्णु को दिखाया है, परंतु जिस भुजा में दिखाया है वो भुजा कोई कृष्ण या हरि की भुजा नहीं है, वो ओम राधे मम्मा की भुजा है। जो ब्रह्मा की सहयोगिनी थी ईश्वरीय सेवा में, अव्वल नंबर। और ऐसे ही गदा, हर बात में ड्रामा को आगे कर देते थे ब्रह्मा बाबा। ज्ञान का चक्र नहीं घूमता था बुद्धि में, परंतु ड्रामा को सबसे आगे करते, ड्रामा में ऐसा ही था, और निश्चिंत तो हो जाते थे। तो ये गदा आयुध है ब्रह्मा की सोल के लिए। और पद्म, कमल का फूल, विष्णु के बाएं हाथ में दिखाया गया है, बाईं ओर की नीची भुजा है। वो नीचे वाली भुजा नीचे की दुनिया में रह करके ऐसा पार्ट बजाती है, नीचे की दुनिया कीचड़ वाली है या ऊपर की दुनिया कीचड़ वाली है? ये नीचे की कलयुगी दुनिया कीचड़ वाली है, इसे कीचड़ वाली दुनिया में रह करके जगदम्बा की सोल कमल फूल समान पार्ट बजाती है, इसलिए चित्रों में कामधेनु गौ का रूप दिखाया जाता है। उस गाय के शरीर में कितने देवता दिखाते हैं? 33 करोड़। कहते हैं गाय के शरीर में 33 करोड़ देवताएं निवास करते हैं, उनमें मस्तक में कौन सा देवता बैठा हुआ है? गाय के मस्तक में कौन सा देवता बैठा दिखाया गया है? किसी ने ध्यान से नहीं देखा। शंकर को बैठा दिखाया गया है, शिवा शंकर भोलेनाथ बैठा हुआ है बुद्धि में, बल कीचड़ की दुनिया में रही पड़ी है,
लेकिन बुद्धि से याद किसकी है? शिव शंकर भोलेनाथ की याद है। ये संग के रंग की बलिहारी है। जगदम्बा ने जितना परमपिता परमात्मा के साथ प्रैक्टिकल जीवन में मिलन मेला मनाया है, इतना और कोई ने भी नहीं मनाया है। तो जितना संग किया है वो संग रंग लाएगा या नहीं लाएगा? तो ये रंग लाता है कि भूलना चाहे तो भी उसकी याद भूलती नहीं है। याद जैसे कि छप जाती है, इसलिए दिखाया गया कमल का फूल। तो जगदम्बा हुई बाई ओर की नीची भुजा। ये चार भुजाएं चार आत्माओं की सूचक हैं। लक्ष्मी ओम राधे मम्मा, ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा, परंतु भुजाएं अपने आप चलती हैं या भुजाएं चलाने वाला कोई और होता है? है चलाने वाला और होता है। वो भुजाओं को चलाने वाली है बुद्धि। जो भुजाओं को चलाने वाली बुद्धि है वो सर्वोपरि है, वो है कंट्रोलर भुजाओं का। भुजाएं कंट्रोल्ड होने वाली है। इसलिए दिखाया गया अव्वल नंबर विष्णु कौन हुआ? प्रजापिता ब्रह्मा। फिर द्वयम नंबर विष्णु कौन हुआ? वो ब्रह्मा और समस्त ब्रह्मा से विष्णु बने वाले थे। ब्रह्मा से विष्णु कौन कौन से नंबर का ब्रह्मा है? वो लक्ष्मी है ना, ब्रह्मा से विष्णु बनने वाला वैष्णवी है। अरे अव्वल नंबर ब्रह्मा तो हो गया प्रजापिता ब्रह्मा, तो दूसरे नंबर का ब्रह्मा कौन हुआ? लक्ष्मी हुई। जो दूसरे नंबर की ब्रह्मा है वो ही ब्रह्मा है जो ब्रह्मा सो विष्णु बन करके वैष्णवी देवी बन करके कृष्ण जैसे बच्चे को जन्म देती है। जगदम्बा से कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की आत्मा को निश्चय पैदा नहीं हुआ। जगदम्बा मुख से बोल बोल करने वाली है या प्रैक्टिकल धारणा वाली है? मुख से बोल बोल करने की निशानी है लंबी जीभ। जो जगदम्बा महाकाली बनकर के लंबी जीव दिखाती है, वाक देवी कही जाती है, वाणी की देवी। तो दूसरे नंबर का वैष्णव विष्णु छोटी माँ है और तीसरे नंबर का विष्णु कौन है? जगदम्बा जी जो कृष्ण बच्चा बना और माँ जिसने वाणी चलाई सिर्फ। वो नंबर बाद में आता है। और
बेंगलुरु कैसेट में ऐसा बोला है, संगम में स्त्री चोला मिलना बहुत भाग्य की बात है, क्योंकि बाप के क्लोज कांटेक्ट में आने की चांस मिलता है, चांस मिलता है। हाँ जी, पुरुष सभी दुर्योधन दुशासन बोल दिया तो मतलब जो क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, मतलब जो साकार की संग का रंग ज्यादा लेते हैं, उनका याद सहज होती है, उनका याद सहज होती है, उनको याद सहज हो जाती है, क्योंकि संग का रंग शरीर के द्वारा ही लगता है। मतलब जो अष्टदेव है तो पहला नंबर के छोड़कर जो सात है उनका बाप की याद गहराई होती है, होता है ना अष्टदेव, तो वो सभी स्त्री चोले वाले होते हैं, मन अष्टदेव सभी बाप के छोड़कर, और पुरुष वाले भी हो सकता है, पुरुष को इतना क्लोज कांटेक्ट में आने की संभावना नहीं है। क्लोज कांटेक्ट में आने वाला बाप के बच्चा नहीं होता है? बच्चा भी होता है बाबा, लेकिन वो स्त्री चोला तो नहीं होता है बच्चा। बच्चा जितना बाप को सहयोगी बनता है उतना कोई दूसरा संबंध बन सकता है क्या? नहीं बनता है, लेकिन बाबा तो सारी इंद्रियों से संबंध, साकार में संबंध रखना पुरुषों का संभव नहीं है। स्त्री पुरुष की बात नहीं है यहाँ, तो आत्मिक स्थिति की बात है। जो जितना आत्मिक स्थिति में आगे जाएगा वो उतना आगे नंबर ले लेगा। तब स्त्री चोला मिलना बहुत भाग्य की बात कहने में मतलब क्या? सहज हो जाता है इसलिए। तो कठिन काम स्त्री चोला कर सकता है या कठिन काम पुरुष चोला कर सकता है? काम तो पुरुष कर सकते हैं, माना कठिन काम है उनसे सूक्ष्म रूप में स्थूल रूप में, बुद्धि से भी पावरफुल पुरुष होते हैं या स्त्रियां ज्यादा पावरफुल होती हैं? तो बुद्धि से सूक्ष्म काम होता है या वो स्थूल काम होता है? तो स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, चाहे मन बुद्धि सूक्ष्म हो, चाहे सूक्ष्म इंद्रियां हो, चाहे स्थूल इंद्रियां हो, और चाहे स्थूल शरीर ही क्यों न हो, ज्यादा पावर पुरुषों में होती है। कन्याओं माताओं में उतनी पावर नहीं होती है, क्योंकि देवान ज्यादा होता है। लेकिन सहज हो जाता है उनको, क्योंकि स्त्री चोला है और भगवान पुरुष के रूप में आया हुआ है, इसलिए सहज हो जाता है। बाकी ऐसे नहीं है कि सहज हो जाता है वही आगे नंबर ले सकता है। अगर ऐसी बात हो तो प्रजापिता के लिए सहज हो गया या कठिन हो गया? सहज हो गया। सहज हो गया मतलब प्रजापिता को तो अपना नंबर लिया है ना? कैसे सहज हो गया? साकार में मिला पुरुष रूप में या स्त्री रूप में, कैसे मिल गया? कौन? प्रजापिता को। प्रजापिता को तो शिव सुप्रीम सोल से उसके साथ है ना बाबा? साथ है, लेकिन ब्रह्मा में जब प्रवेश करता है तो उसको पता चलता है कि मेरे अंदर आया और गया कि नहीं? तो फिर वो तो बात खत्म हो जाती है कि साथ है या नहीं है, वो तो सिर्फ बुद्धि से खींचने की बात है ना। तो ऐसे नहीं है कि साकार में स्त्री चोला है तब ही सहज हो सकता है। सहज करने का एक और उपाय है, अभ्यास न तो कौनते है। जितना जितना याद का अभ्यास करेंगे उतना उतना सहज होता जाएगा।
तो ऐसे नहीं है कि पुरुष चोले जितने भी हैं वो सब दुर्योधन दुशासन है, तो सब कम पद पावेंगे, अष्टदेव में नहीं आ सकते हैं, ये तो फिर पार्शियलिटी वाली बात हो जाए। बाबा ने तो मुरली में बोला कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं, क्या कन्याएं और अदर का अदर कुमारियां ये काम कर सकती हैं कि जो चाहे सो कर लें? तो फिर कन्याओं माताओं को फिर भी बंधन आता है क्योंकि चोला आबला का है, वो चौराहे पर 24 घंटे बैठकर सेवा नहीं कर सकती। और कुमार और अधर कुमार चौराहे पर भी बैठ करके 24 घंटे सेवा कर सकते हैं। और आज की मुरली में बोला है मम्मा बाबा और अनन्य बच्चे इस समय बड़ी कमाई कर रहे हैं, तो क्या मम्मा बाबा और अनन्य बच्चे अष्टदेव हैं क्या? वो तो है, अनन्य माने उन जैसे दूसरे न हो, तो अष्टदेवों जैसे दूसरे कहाँ होते हैं? छोटी माने अपना जीवन कहानी में जन्म 1945 में बोला है, इसका मतलब 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना और उस समय 300-400 कन्याएं माताएं कराची में पहुंची, उनमें छोटी माँ नहीं थी क्या? कोई भी व्यक्ति अपना जन्म बताता है तो क्या ये कन्फर्म है कि जो बताता है वो ही सच्चा है? व्यक्ति को अपने जन्म का पता नहीं होता है कि होता है? कभी कभी माँ बाप को भी याद नहीं रहता कि बच्चे का जन्म कब हुआ, अंदाज के आधार पर लिखाई देते हैं सर्टिफिकेट में या स्कूल में। लेकिन ये तो बाबा का महावाक्य है कि जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। तो शिव बाबा ने बोला है वो ज्यादा सच्चा या जो मनुष्य बोले वो ज्यादा सच्चा? और रिसर्च करनी है अभी इस संबंध में। ये भी हो सकता है कि ज्ञानामृत पत्रिका जो छपती है वो मनुष्यों के प्रभाव के अंदर छपती है या ईश्वर के प्रभाव के अंदर रह करके छपती है, और छपाने वाले मनुष्य है? अगर ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं उस समय जब छपाया गया तब जगदीश भाव भी क्या भाई के प्रभाव से प्रभावित हैं?
जो कि पत्रिका के संपादक थे, वो सही बात छापेंगे या संपादक अपने तरीके से तोड़ मड़ो के छाप सकता है? उसका हाथ कोई नहीं रोक सकता कि तुमने ऐसा क्यों छपाया। वो कहेगा हमने जैसा ठीक समझा वैसा हमने छपाया। जैसे ब्रह्मा बाबा के जन्म के बारे में कभी नहीं बताया गया कि बाबा का जन्म 1886-87 के बीच हुआ था। एडवांस ज्ञान निकलने के बाद सारी बातें तोड़ मरोड़ दी गई। ब्रह्मा बाबा का जन्म भी दूसरा बताया जाने लगा। 36 में प्रवेश किया ऐसा बोलते हैं। मुरली के अनुसार 36 में प्रवेशता साबित नहीं होती है ब्रह्मा बाबा में। बाबा ने कहा है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जो बाबा के साथ गुप्त संबंध रखते हैं। ऐसे नहीं कहा कि अतीन्द्रिय सुख के बारे में पांडवों से पूछो। अरे गोप भी बोले ना बाबा, गोप और गोप। पांडव नहीं, गोपों से पूछो। ऐसे नहीं कहा कि अतीन्द्रिय सुख के बारे में गोपों से पूछो। गोप गोपियों दोनों से पूछो। जो बाबा के साथ गुप्त संबंध रखते हैं। ऐसे नहीं कहा कि अतीन्द्रिय सुख के बारे में सिर्फ पांडवों से पूछो, माना सिर्फ गोपों से पूछो। तो गुप्त संबंध माना क्या? और गोप बाबा से गुप्त संबंध कैसे रख सकते हैं और वो कैसे अतीन्द्रिय सुख पाते हैं? मान लो कोई गोप है, उसने अपनी कन्या बाबा को समर्पित कर दी, या कोई गोप है उसने अपनी बहन बाबा को समर्पित कर दी, या कोई गोप है जिसने अपनी भांजी बाबा को समर्पित कर दी, तो जिसने समर्पित कर दी, जिस बाप ने अपनी कन्या उसकी तो कन्या है ना, वो जानता है कि सर्व संबंधों की रचना क्या होती है और मेरी बच्ची भगवान के साथ सर्व संबंध बनाए रही है। जिनको अपनी कन्या है ही नहीं, जिनको अपनी बहन है ही नहीं ईश्वरीय सेवा में, जिनकी अपनी भांजी ईश्वरीय सेवा में है ही नहीं, वो विरोध करते हैं कि ये भगवान कैसा है जो बच्ची का भी संबंध बनाता है और पत्नी का भी संबंध बनाता है। परंतु वो दोषारोपण करते हैं, भगवान बनाता है या कन्या की अपनी स्वेच्छा होती है? अगर कन्या की अपनी स्वेच्छा नहीं है, भगवान जोर जबरदस्ती करता है, तो भगवान बलात्कारी साबित होता है, दुर्योधन दुशासन साबित होता है। परंतु ऐसी बात नहीं है,
इस राज को वही गोप जान सकते हैं जिन्होंने अपनी बेटी, जिन्होंने अपनी बहन, जिन्होंने अपनी भांजी अर्पण की हुई है। दूसरे इस राज को नहीं समझेंगे। और जो जानते हैं इस गहराई को, इस रहस्य को, वो अंदर अंदर सुख का महसूसता करते हैं, संबंध की महसूसता आती है उनको कि ईश्वरी से सुख का संबंध जोड़ा जाता है या दुख का संबंध जोड़ा जाता है। वाली आत्मा अष्टदेव में तीसरे नंबर में प्रवेश करके यमराज की पास बजा है। ब्रह्मा वाली आत्मा अष्टदेव में जो तीसरे नंबर है, माना इस्लाम की पूर्वज है, उसमें प्रवेश करके यमराज की पास बजा है ना। हाँ जी। और जगदम्बा में प्रवेश करके महाकाली पाठ बजाती है, दोनों में क्या अंतर है? जगदम्बा संगम युग का पार्ट है, यमराज। जगदम्बा संगम युग का पार्ट है, और धर्मराज अंतिम समय का पार्ट है। तो ब्रह्मा की सोल प्रत्यक्ष हो जाती है, धर्म के राजा के रूप में प्रजापिता के अंदर वो आत्मा मर्ज होकर के पार्ट बजाती है। तो वो रूप अलग हो जाता है, प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला कोई और होना चाहिए। जैसे राजा सूली पर चढ़ाने का, फांसी पर चढ़ाने का हुक्म देता है, परंतु वो खुद तो सूली पर नहीं चढ़ाता, चढ़ाने का निमित्त तो कौन बनता है? थिंकर होते हैं वो बनते हैं, कोई दूसरा बनता है। ऐसे ही यहाँ भी है, मन हुकुम देने वाला ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा तो शरीर छोड़ दिया, वो प्रजापिता में प्रवेश करके पार्ट बजाता है। संपन्न होने के बाद मर्ज हो जाता है प्रजापिता में। 2018 में नहीं, 2018 में अगर ब्रह्मा की सोल पूरी मर्ज हो जाए तो अष्टदेव में आएगी या नहीं आएगी? तो आती है अष्टदेव में। हाँ जी। इसलिए ब्रह्मा का पाठ तब तक है जब तक 108 आत्माएं संपन्न नहीं बन जाती। 108 आत्माएं संपन्न होने के बाद ब्रह्मा कहो या जगदम्बा कहो, क्योंकि जगदम्बा भी आखिरी मण का है, आखिरी मण का संपन्न हो तो ब्रह्मा की सोल भी संपन्न हो। तो 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमोप्रधान से तत्वप्रधान बनने में, तो ये 50 वर्ष कब पूरे होते हैं? 2027-28 में, तब जाकर के ब्रह्मा की सोल संपूर्ण रूप से मर्ज हो जाती है।
तब वो ऑर्डर चला था ना। हाँ जी। और तो अमल करने वाला वो तीसरा नंबर मैं तो होता है। हाँ जी हाँ जी। जो बच्चे अभी भी ब्रह्मा दादा लेखराज में निराकार को याद करते हैं, उनकी प्राप्ति कैसी होगी, वो क्या पद पावेंगे, वो बाप से पद पावेंगे, डायरेक्ट शिव बाप परमात्मा परमपिता से पद पावेंगे, या देहधारी मनुष्य आत्मा से पद पावेंगे, तो अंतर पड़ जाएगा या नहीं? भारी अंतर पड़ जाता है। जब राम वाली आत्मा संपन्न बन जाएगी, तब उस संपन्न में निराकार को याद करने में और उससे पहले असंपन्न राम वाली आत्मा में निराकार को याद करने में कोई फर्क होता है या नहीं होता है? है? राम वाली आत्मा जब संपन्न बने तब उस संपन्न चोले में निराकार को याद करना, शिव को याद करना, और संपन्न बनने से पहले जब असंपन्न पुरुषार्थी जीवन था उस पुरुषार्थी जीवन में याद करने में दोनों की प्रकार की याद में कोई अंतर है या नहीं है? हाँ, तो सदैव बुद्धि में ये बात रखने की बात है कि हमको समझाने वाला साकार है या निराकार है। समझाने वाली राम वाली आत्मा है, कृष्ण वाली आत्मा है, या शिव बाबा समझाने वाला है? शिव बाबा हमको दृष्टि दे रहा है या राम वाली आत्मा हमको दृष्टि दे रही है? शिव बाबा से हमारा इंद्रियों का कनेक्शन हो रहा है या राम वाली आत्मा से कनेक्शन हो रहा है? कनेक्शन किससे हो रहा है? इसे स्मृति की बात है, बलियारी है, याद तो है। संपन्न चोले में और असंपन्न चोले में, लेकिन याद किसकी है? नहीं, वो याद उतनी ठहरती है सबको, सब जितना जानकारी होती है उतना। हाँ, जितना ज्ञान बुद्धि में बैठा है उतना ही याद होती है। भाई पति तन में आता हूँ, बावन तन में नहीं आता करते है ना, मुरली पाइंट है ना। हाँ जी। राम वाले आत्मा 76 में कुमार है ना, पाइंट कैसा साबित होता है? मुरली में बोला है जो फिल्म देखते हैं, सिनेमा देखते हैं और उपन्यास पढ़ते हैं, उनकी आत्मा सबसे जास्ती पतित बन जाती है। है? नहीं आता है कृष्ण और रामायण तो देखना चाहिए कि नहीं? क्या देखना चाहिए? है? रामायण और कृष्ण का प्रोग्राम आता है। जो भी आता है टीवी में वो बनाने वाले कौन है? भगवान ने बनाया या मनुष्यों ने बनाया? ज्ञान सागर ने बनाया या ज्ञानी मनुष्यों ने बनाया? तो ज्ञानी बन करके देखेंगे
तो और अंतर पड़ेगा। और अज्ञानी बनकर के देखेंगे, मस्ती में आकर के देखेंगे तो और अंतर पड़ेगा। मुरली के अनुसार अगर एक पॉइंट को ध्यान देखो, हाँ, मुरली के पहाड़ी में सोच कैसे देखे तो, हाँ वो तो संपूर्ण सुदर्शन चक्रधारी आप ही बैठे हैं। ओम शांति।